हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्वाइट हैक का यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ओटीपी स्कैम्स के बारे में बात करेंगे। आज मुझे मेरे कुछ दोस्तों से पता चला कि उनको अलग अलग साइट से ओटीपी आ रहे हैं, और खुद मुझे भी कल शाम को और आज सवेरे कुछ ओटीपी आए थे अलग अलग साइट से। अब जो ओटीपी आए हैं, ना मेरे दोस्तों ने और ना मैंने उन साइट्स को एक्सेस किया, लेकिन हमारे बिना उन साइट्स को एक्सेस की वो ओटीपीज हमारे फ़ोन नंबर पे आ क्यों रहे हैं। तो इसके मेजर तीन रीज़न हो सकते हैं। पहला, या तो कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है, कोई हमारा दोस्त ही हो सकता है जो कि हमारे साथ प्रैंक कर रहा हो। दूसरा, अगर किसी ने न्यू सिम लिया है तो हो सकता है कि पहले वो नंबर किसी और इंसान को एलोकेटेड हो, और अब जब वो नंबर हमें एलोकेट हुआ है तो वो पुराने वाला जो इंसान था वो अपने अकाउंट्स में लॉगिन करने की कोशिश कर रहा होगा, और उसके ओटीपी जो है वो हमारे फ़ोन नंबर पे आ रहे हैं। और थर्ड, जो मेजोरिटी ऑफ केसेस में यही रीज़न होगा कि आपका जो फ़ोन नंबर है वो किसी डेटा ब्रीच में एक्सपोज हो गया होगा। मान लो फ्लिपकार्ट की साइट का कोई डेटा लीक हो गया, तो उसमें उसके कुछ कुछ हजार या लाख लोगों के अकाउंट डिटेल्स लीक हो गई। जब ऐसा होगा तो वो सारी सारी डिटेल्स पब्लिक हो जाती हैं। हो सकता है कि किसी अटैकर ने उन डिटेल्स को उठाया हो और किसी सॉफ्टवेयर या बॉट की हेल्प से वो उन सभी अकाउंट्स पर अटैक कर रहा होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि मैं और मेरे कुछ दोस्त ही हैं, इसमें जो जितने भी वो अकाउंट उस डेटा ब्रीच में एक्सपोज हुए थे उन सभी पे वो ओटीपीज आ रहे होंगे। तो ये कोई टारगेटेड अटैक नहीं है कि किसी सिर्फ एक मेरे ऊपर या किसी मेरे दोस्तों किसी एक के ऊपर नहीं हो रहा है, ये लाखों लोगों पर हो रहा होगा। अब इस केस में आप क्या कर क्या सकते हो? सी, ओटीपी होते तो बहुत सिक्योर हैं और उन्हें ब्रेक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और अगर आप किसी ट्रस्टेड साइट जैसे कि फेसबुक, फ्लिपकार्ट वगैरह का यूज़ कर रहे हो, तब तो बहुत ही मुश्किल है कि कोई ओटीपी को बाईपास कर पाएगा। सबसे पहले, अगर आपको बैंक्स के ओटीपी आ रहे हैं तो तभी पहली फुर्सत में ही बैंक को फ़ोन लगाओ और उन्हें इसके बारे में बताओ। ऐसा नहीं है कि बैंक की जो साइट्स होती हैं वो सिक्योर है या ऐसा कुछ नहीं होती हैं, बट बैंक के केस में रिस्क क्यों लेना? अगर बैंक के ओटीपी आ रहे हैं तो आप तभी के तभी बैंक वालों को फ़ोन करके उनको इसके बारे में बताओ। और अगर बाकी साइट जिन साइट्स में पेमेंट वगैरह का कोई लेना देना नहीं है तो उन साइट्स के ओटीपी आ रहे हैं तो उन्हें आप इग्नोर कीजिए। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है कि मेरे को ऐसे ओटीपी आ रहे हैं, मेरा अकाउंट हैक हो गया, या आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अगर बैंक्स के ओटीपी आ रहे हैं तो बैंक वालों को बताओ, बाकी साइट्स के ओटीपीज हैं तो टोटली इग्नोर करो उनको। और अगर बहुत सारे आ रहे हैं जैसे कि 100 100 हजार हजार आ रहे हैं लगातार ही, तो अगर ज़्यादा ही ये हो रहा है तो आप साइबर सेल में रिपोर्ट कर सकते हो। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो।